डिप्लोमा कर लिया है तो सबसे पहले आप एक प्राइवेट जॉब देखिए। प्राइवेट जॉब कैसे मिलती है? कई बार क्या होता है, इफ वी आर स्टडिंग इन अ गुड कॉलेज तो हमें क्या होता है कि कंपनी खुद ही हमें ले जाती है और सैलरी भी अच्छी लगाती है। वहां पे अगर कंपनी ले गई तो आपको 18 से 25,000 तक की सैलरी में भी ले जा सकती है, 18,000 to 25,000। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, 15-16 भी हो सकता है, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट। लेकिन ये आप मान के चलिए कि यदि आपने डिप्लोमा किया है, यू आर श्योर गोइंग टू गेट अबव 15,000, मतलब 15,000 से ज्यादा ही आपको मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए कि हम लोग डिप्लोमा तो कर लेते हैं, हमारे में स्किल्स कोई है नहीं। जब स्किल नहीं होगा तो कौन आपको लेगा, और आप अप्लाई करेंगे भी तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं। इस वही बच्चे रोते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। जो डिप्लोमा करते समय जो रिक्वायरमेंट होती है, कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट यू मस्ट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैकेनिकल से की है तो जो भी आपको प्रेस शॉप में बताया गया था, लेथ मशीन के बारे में बताया गया था, शेपर प्लेनर के बारे में बताया गया था, इंजन के बारे में बताया गया था, तो आपको अच्छे से सीखना चाहिए था। कंप्यूटर आपने किया है तो कंप्यूटर की जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपको अच्छे से सीखना चाहिए था। दूसरी चीज, यू मस्ट पोजेस अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बोलने की शैली अच्छी होनी चाहिए। 100% इंग्लिश नहीं बोले कोई जरूरी नहीं है, बट यू मस्ट बी फ्लुएंट। आपकी व्यवहारिक जो वाक शैली है वो अच्छा होना चाहिए, मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट बी फ्लुएंट। तब आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनी नहीं ले रही है। Sure, you are going